स्वागत है दोस्तों आप सभी का। मैं अरशद अली, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों आज सुबह एक वाक्य हुआ, वो मैं आपके बीच शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों आप जानते ही हो कि मैं एक टीचर हूँ, मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ, कोचिंग सेंटर में पढ़ाता हूँ। तो मेरे से एक स्टूडेंट ने क्या पूछा कि सर आप मुझे एक सेंटेंस का मतलब बताइए, एक कोट का मतलब बताइए। और वो कोट था स्टीव जॉब्स का, वो क्या लिखा हुआ था, स्टे हंग्री स्टे फुलिस। आपने भी सुना होगा वो, स्टे हंग्री स्टे फुलिस, इसका मतलब क्या हुआ उस स्टूडेंट ने मेरे से पूछा। तो दोस्तों बड़ा प्यारा मतलब है इस कोट का, इस स्टेटमेंट का। स्टे हंग्री का मतलब आप जानते होंगे कि भूखे रहिए, और स्टे फुलिस का मतलब मूर्ख बने रहिए। अगर हम इसका सीधा सीधा सा मतलब देखें तो हमें ये लगता है कि भूखे रहिए और मूर्ख बने रहिए, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका तो कोई रीजन समझ में नहीं आया, अधिकतर लोग यही कहेंगे। लेकिन इसमें एक बहुत गहरी बात छिपी हुई है। क्या सबसे पहली लाइन में देखो जो दो वर्ड है, स्टे हंग्री, भूखे रहिए। भूखे रहिए का मतलब ये नहीं है कि आप खाना मत खाओ, भूखे रहिए का मतलब आप कुछ भी मत खाओ, ये मतलब नहीं है। भूखे रहने का मतलब है अपने अंदर ज्ञान की भूख पैदा करो, अपने अंदर कुछ ऐसा जज्बा पैदा करो कि वो आपको हमेशा भूखा रखे, आपको ज्ञान के प्रति आपके अंदर भूख पैदा हो, आपको हमेशा भूख नजर आए कुछ ना कुछ अचीव करने की। तो भूखे रहने का मतलब ये है स्टे हंग्री, इसका मतलब भूखे रहिए, लगातार भूखे रहिए। और अगर हम अगले वर्ड की बात करते हैं कि स्टे फुलिस, मतलब मूर्ख बने रहिए। मूर्ख कौन होता है, जो किसी क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाता या जो कुछ गलतियां करता है। मान लो अगर हम टीचर्स की बात करते हैं तो अगर किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन गलती कर दिया, कोई क्वेश्चन गलत हुआ उससे, तो टीचर क्या कहेंगे, अरे मूर्ख तुझसे ये क्वेश्चन भी नहीं आता, तो वो स्टूडेंट मूर्ख है ना। लेकिन उसने ट्राई किया, और ट्राई करने के बाद अगर वो फेल हुआ उस क्वेश्चन में, तो उसको टीचर ने क्या बोल दिया कि ये तो मूर्ख है। लेकिन मूर्ख ही अच्छा है, हम तभी तो मूर्ख कहेंगे ना जब हम कुछ गलतियां करेंगे, जब हम कुछ ट्राई करेंगे। और अगर हम ट्राई भी नहीं करेंगे तो हमको कोई मूर्ख भी नहीं कहेगा, तो ये तो गलत बात हुई ना। हमें हमेशा प्रयास करते रहना चाहिए, हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया ट्राई करना चाहिए। और ये तो कन्फर्म है कि हम कई बार असफल भी होंगे, कई बार सफल भी होंगे। तो इसका मतलब यही हुआ कि मूर्ख हमें लोग तभी समझेंगे जब हम कुछ नया ट्राई करेंगे। हम नहीं ट्राई करेंगे कुछ नया तो लोग हमें मूर्ख भी नहीं कहेंगे। तो ये बहुत अच्छा एक सेंटेंस है, एक मोटिवेशनल कोट है स्टीव जॉब्स के द्वारा। और आप तो जानते ही होंगे स्टीव जॉब्स एप्पल के फाउंडर है, जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है, इतने महान शख्सियत के धनी है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस कोट का जवाब देके। और दोस्तों मुझे यकीन है कि आपको भी कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा। स्टे हंग्री का मतलब कुछ ज्ञान की ललक पाने के लिए, कुछ अपने अंदर कुछ नया विकास करने के लिए आपको भूखा रहना पड़ेगा, आपको भूख प्यास आपको पैदा करनी पड़ेगी अगर आपको ज्ञान चाहिए। और स्टे फुलिस का मतलब यही है कि आपको मूर्ख बना रहना पड़ेगा, आप ज़्यादा होशियार बनने की कोशिश मत करें, क्योंकि जो होशियार बनता है वो अपने घमंड में रह जाता है। आप हमेशा कुछ ना कुछ करते रहिए, और जब आप गलतियां करेंगे तो आप कुछ नया सीखेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।